नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। आपने अब तक कई टोटके देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी फूल से भी टोटका किया जा सकता है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फूल की जिससे टोटके से पैसों की किल्लत को दूर करने में आपकी मदद करता है। हम बात कर रहे हैं अपराजिता फूल के बारे में, जिसके सिर्फ 3 फूल पानी में बहा देने से आपको मन चाहा धन मिलेगा। अक्सर धन की किल्लत का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। रुपये पैसों की कमी को दूर करने के लिए कई टोटके और उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ उपाय पैसों की किल्लत को दूर करने में बहुत अधिक कारगर होते हैं। दरअसल अपराजिता फूल के टोटके पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए खास हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अपराजिता फूल के टोटके, जिन लोगों को आर्थिक तंगी लगी रहती है, उन्हें सोमवार या शनिवार के दिन किसी नदी में अपराजिता के 3 फूल प्रवाहित कर देने से आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। इस टोटके को लगातार 3 हफ्ते तक करना चाहिए। मनचाही नौकरी के लिए अपराजिता के 5 फूल के साथ 5 टुकड़े फिटकरी के चढ़ाएं। अगले दिन अपराजिता के फूल को अपने पर्स में रख लें। इंटरव्यू में जाने से पहले इसे साथ में लेकर जाएं। ऐसा करने से सफलता जरूर मिलेगी। हम सुख शांति के लिए भी अपराजिता फूल के टोटके का इस्तेमाल करते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव को नीले अपराजिता के फूल की माला चढ़ाने से शनिदेव खुश होते हैं, जिससे जीवन में आ रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन में तरक्की और सुख शांति के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर नीले या उजले अपराजिता के फूल को चढ़ाएं। जिसकी शादी में परेशानी आ रही हो, उनके लिए भी अपराजिता का फूल का टोटका इस्तेमाल किया जाता है। अगर शादी नहीं हो रही है या शादीशुदा लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो किसी सुनसान जगह में मिट्टी में 5 अपराजिता के फूल दबा दें। जमीन खोदते समय लकड़ी की का इस्तेमाल करें। इस टोटके से शादी या वैवाहिक जीवन से जुड़ी हर परेशानी से निजात मिल जाता है। मनोकामना पूरी करने के लिए अपराजिता फूल के टोटके को किया जाता है। मनोकामना पूरी करने के लिए नीले अपराजिता की माला बनाकर देवी, भगवान विष्णु और शिव को चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।